हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 19 फरवरी 2019 और यह हमारी 78वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की नींव रखी गई है? जिसका सही ऑप्शन है बिहार राज्य में। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो रेल परियोजना की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है। इस परियोजना की जो लंबाई है वह 31.4 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित जो लागत है वह 13,365 करोड़ रुपए के समथिंग है। तो इतना आपको मेट्रो रेल परियोजना के बारे में याद रखना है। अब बात आई है बिहार की, तो आपको मैप में बिहार के बारे में बता दें। ये जगह है बिहार को दर्शाती है। बिहार की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। बिहार के गवर्नर हैं लालजी टंडन, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार की राजधानी है पटना। तो इतना आपको बिहार के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में किस शहर में ISSF वर्ल्ड कप शुरू हुआ है? जिसका सही ऑप्शन है दिल्ली में। हाल ही में दिल्ली में ISSF वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। भारत में यह वर्ल्ड कप 33 साल बाद शुरू हुआ है। इस वर्ल्ड कप में 58 देश यानी 58 कंट्री हिस्सा लेंगे। अब ये एक है ISSF, ये क्या है तो आपको इसके बारे में बता दें। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन होता है। इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुनिच जर्मनी में है और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर लेसिन। एक बार फिर आपको ISSF के बारे में बता दें, आई इंटरनेशनल, एफ शूटिंग, एफ स्पोर्ट, एफ फेडरेशन यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। हेडक्वार्टर है मुनिच जर्मनी में और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर लेसिन। तो इतना आपको ISSF के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में कतर ओपन चैंपियनशिप किसने जीती है? जिसका सही ऑप्शन है एलाइज मर्टेंस ने। हाल ही में एलाइज मर्टेंस ने कतर ओपन चैंपियनशिप जीती है। ये बेल्जियम की रहने वाली है और इन्होंने सिमोना हालेप को हराकर कतर ओपन चैंपियनशिप जीती है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सिंगाजी परियोजना से कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाएगी? तो इसका सही ऑप्शन है 2520 मेगावाट बिजली सिंगाजी परियोजना से उत्पन्न की जाएगी। यह परियोजना संत सिंगाजी के नाम पर रखी गई है और यह परियोजना खंडवा जिले में है। अब बात आई है खंडवा जिले की, तो आपको खंडवा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें। खंडवा में चार कुंड हैं, सूरज कुंड, भीम कुंड, रामेश्वर कुंड और पदम कुंड। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा में ही स्थित है। शंकराचार्य की गुफाएं भी खंडवा में ही हैं। इंदिरा गांधी सागर बांध परियोजना खंडवा में ही है। किशोर कुमार की जन्मस्थली खंडवा में है। एकमात्र गांजा उत्पादक जिला है वो है खंडवा। तो इतना आपको खंडवा के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्यास रचित गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य कौन सा है? जिसका सही ऑप्शन है महाभारत। दोस्तों आपको बता दें, ये क्वेश्चन हाल ही में मध्य प्रदेश के संविदा शिक्षक या संविदा पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। व्यास रचित गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है महाभारत। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, जैन संप्रदाय के अंतिम तीर्थकर कौन थे? ये भी मध्य प्रदेश के संविदा में पूछा गया हाल ही में एक क्वेश्चन है, जिसका सही ऑप्शन है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन संप्रदाय के अंतिम तीर्थकर थे। ये जैन संप्रदाय के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। जन्म वैशाली में हुआ था और इनका निर्वाण प्राप्त बिहार के पावापुरी, जो अब राजगीर के नाम से जाना जाता है, वहां पर इनका निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो इतना आपको महावीर स्वामी के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेवन, बुंदेलखंड हॉकी प्रतियोगिता हाल ही में कहां शुरू हुई है? तो यह हॉकी प्रतियोगिता सागर के बीना तहसील में शुरू हुई है। तो बुंदेलखंड हॉकी प्रतियोगिता सागर में शुरू हुई है। अब बात आई है सागर की, तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट सागर जिले के बारे में बता दें।
सागर को 1660 यानी 1660 में उदन सिंह ने स्थापित किया था। प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय जिसे हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहा जाता है वह सागर में ही है। एकमात्र फॉरेंसिक लैब सागर में ही है। सागर में पद्माकर समारोह मनाया जाता है और नौरादेही अभ्यारण्य भी सागर में ही है। तो इतना आपको सागर के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? जिसका सही ऑप्शन है क्रिस गेल। हाल ही में क्रिस गेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये वेस्ट इंडीज के एक महान खिलाड़ी थे। ये वेस्ट इंडीज टीम से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं और सबसे ज्यादा रन बनाने में ये दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर हैं ब्रायन लारा। चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये हैं क्रिस गेल। इन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड 2019 जीता है? जिसका सही ऑप्शन है रायगढ़ नगर निगम ने हाल ही में स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड 2019 हासिल किया है। रायगढ़ पहले स्थान पर है, अंबिकापुर दूसरे स्थान पर है और कुंभकोणम यह तीसरे स्थान पर आया है स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड में। अच्छा बात आई है छत्तीसगढ़ में है रायगढ़, तो बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बता दें। ये जगह है छत्तीसगढ़ को दर्शाती है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में की गई थी। जो राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ की वह हैं आनंदी बेन पटेल। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राजधानी है रायपुर। तो इतना आपको छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी है? तो यह किताब सोमेश चंद्र दत्त ने लिखी है। तो सही ऑप्शन है सोमेश चंद्र दत्त। इन्हें आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो एक साथ दो क्वेश्चन बनते हैं। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक रमेश चंद्र दत्त ने लिखी है और इन्हें आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रवर्तक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसका जन्म स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका जन्म स्थल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है वहां पर हुआ है। आपको बता दें चंद्रशेखर आजाद का जन्म 1906 में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में हुआ है। बी आर अम्बेडकर का जन्म 1891 में महू जो इंदौर में है वहां पर हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 1924 में ग्वालियर में हुआ था। तो ये तीनों मध्य प्रदेश में इनका जन्म स्थल है और विश्वनाथ प्रताप सिंह का उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जन्म स्थल है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मेरिसियो मैक्रो हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हैं। अब बात आई है अर्जेंटीना की, तो मैप में आपको अर्जेंटीना के बारे में बता दें। ये जगह है अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और करेंसी है पैसो और राष्ट्रपति हैं मॉरिसियो मैक्रो। तो इतना आपको अर्जेंटीना के बारे में याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।